हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवधेश आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल अवधेश फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग लेकर के आया हूं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट न्यू इंग्लैंड पोइट के नाम से भी जाने जाते हैं, बहुत ही महान अमेरिकन पोइट हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस पोएम को, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। इसका टाइटल का मतलब है पोएट जो कि घोड़े पे सवार होकर के एक जंगल से गुजर रहा है, बर्फ़ पड़ रही है और शाम का टाइम है, इवनिंग टाइम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम को। हूज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज, दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर to watch his woods fill up with snow. Whose woods these are I think I know. ये जंगल किसका है मुझे लगता है मैं जानता हूँ। His house is in the village though. उसका घर गाँव में है यद्यपि। He will not see me stopping here. वह मुझे नहीं देख पाएगा जो मैं यहाँ रुक रहा हूँ। To watch his woods fill up with snow. उसके जंगल को देखने के लिए जो कि बर्फ जम रहा है यहाँ पे। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, मेरा जो छोटा घोड़ा है वो सोच रहा होगा, उसको भी अजीब बात लग रही है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, मतलब फार्म हाउस यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ क्यों रुक रहा हूँ। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इस जंगल के बीच में जहाँ झील जमी हुई है और ये इस साल का सबसे अंधेरी सबसे काली शाम है, मतलब बिल्कुल भी रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही है, तो घोड़े को भी अजीब लग रहा है कि यहाँ मैं क्यों रुक रहा हूँ। ही गिव्स हिज हॉर्नेस बेल्स अ शेक, जो उसका हॉर्नेस बेल्स है उसको शेक करता है, हिलाता है, मतलब जो घोड़े का जो साज होता है उसे हार्नेस बोलते हैं, उसमें घंटी लगी होती है तो उसको हिलाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ऐसा लग रहा है जैसे वो पूछ रहा है क्या कोई गलती हो गई है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, एकदम शांत वातावरण है, कोई भी आवाज़ वहाँ पर नहीं है शिवाय किसके, जो हार्नेस बेल का आवाज़ और दूसरी जो आवाज़ वहाँ पे सुनाई पड़ रही है वो जो हवा है वो जो चल रही है हवा का चलना, एंड डाउनी फ्लेक और जो वहाँ पे जो झील वो जमा हुई है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, आखिरी स्टेंजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है, जो वुड्स है जो जंगल है बहुत ही लवली है, डार्क है, डीप है, बहुत ही खूबसूरत है, घना अंधेरा है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, पर मैंने कुछ जो वादे किए हैं उसे मुझे निभाने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यहाँ पे स्लीप का मतलब एक तो कुछ लोग निकालते हैं रेस्ट और लोग निकालते हैं मौत, लेकिन अगर हम इसका लिटरेरी मीनिंग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे स्लीप का मतलब मौत ही होगा, मतलब मौत के पहले जो भी मेरे कार्य हैं उसे मुझे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब मौत आ जाए उसके पहले मुझे अपने सारे कामों को कर लेने हैं। किस तरह से ब्यूटीफुल पोएम एंड होती है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा एक चीज़ और इसमें हम बात कर लें कि बहुत सारे पोइट्स ने नेचर के बारे में बात किया है, खासकर रोमांटिक पोइट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ भी नेचर की बात कर रहा है और यहाँ पे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी नेचर की बात कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। अगर यहाँ पे वर्ड्सवर्थ होते तो उनको नेचर से सोलेस मिलता है, वो ठहर जाते, उनके लिए नेचर ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए नेचर खूबसूरत तो है, सुंदर तो है, पर यहाँ वो ठहरना नहीं चाहता, रुकना नहीं चाहता। तो ये फ़र्क है वर्ड्सवर्थ के नेचर में और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नेचर में, जिसे हमें ध्यान में रखना है।